हाँ नालियाँ साफ करने के यहाँ पैसे मांगे जाते हैं। जमींदार लोग बोलते हैं नालियाँ साफ करने के पैसे दोगे तभी साफ हो, कोई रसीद नहीं, कोई मतलब नहीं है। कितने पैसे दे दिए अब तक आपने? मैंने तो दो बार 500-500 रुपए दे। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। हमारे वार्ड में ना तो झाड़ू लगती है, ना सफाई होती है, ना नालियाँ साफ होती है, ना मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की देखो तो पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस गली में, कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई भी मतलब यहाँ आके ये नहीं कहता कि कोई नाली साफ है या सड़क साफ है, कितनी भी शिकायत कर दो कोई नहीं आता यहाँ। आपने बताया कि आप लोगों से पैसे भी लिए जा रहे हैं? हाँ नालियाँ साफ करने के यहाँ पैसे मांगे जाते हैं। जमींदार लोग बोलते हैं नालियाँ साफ करने के पैसे दोगे तभी साफ होगी। क्या उसे कोई रसीद भी देते क्या? कोई रसीद नहीं, कोई मतलब नहीं है। कितने पैसे दे दिए अब तक आपने? मैंने तो दो बार 500-500 रुपए दे के नालियाँ साफ कराई है। कितने टाइम में दिए आपने? मैंने तो कोई पहले 2-3 साल पहले कराई थी, जब दिए थे 500 रुपए, क्योंकि नालियों में पानी बाहर आ रहा है। उसके बाद कब दिए आपने? उसके बाद मतलब उससे पहले जब मैंने मकान बनाया था एक बार तो जब साफ कराई, और उसके बाद एक बार और कराई थी 3 साल पहले कराई है अभी। अच्छा। और उसके बाद मैंने कराई नहीं, क्योंकि जिसको भी बोलो वो कहते हैं आपको ही दिक्कत है क्या भाई? मेरे को दिक्कत है, ठीक है भाई पड़ने दो, हमारे क्या है। यहाँ पे व्यवस्था सही शिल्पा राव वाला। कौन से वार्ड में? एक नंबर वार्ड। सर ये हमारा वार्ड नंबर 1 है और मैं वार्ड नंबर 1 का रहवासी हूँ और यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर आए दिन की समस्या ये है कि सबसे बड़ी समस्या पानी की प्रॉब्लम है। यहाँ पानी यार 5-5-6-6 दिन में एक बार आता है, और आता है तो वो भी बहुत लो प्रेशर से आता है, जिससे मटकी और जो पीने का पानी वो भी नहीं भर पाता है। उसके अलावा दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर जो कचरे के डिपो लगे हुए हैं इनका मुँह खुला रहता है, जिससे कई प्रकार के जानवर वगैरह यहाँ बने रहते हैं, तो इससे लोगों के घरों में परेशानी होती है। तीसरा यहाँ जो नाले की सफाई नियमित नहीं होती है, और नई नाले की बाउंड्री है, इससे हमारे मोहल्ले के क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो खेलते हैं, तो कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। ना तो यहाँ कोई बाउंड्री की नाला बनाया जा रहा है, ना इस नाले का कोई सूद ली जा रही है। हमारे जो वार्ड नंबर 1 के पार्षद साहब हैं बनवारी लाल जी, उनको भी कई बार लिखित में दिया गया है, उनके द्वारा वो कहा गया है कि मैंने ये लिखित की सूचना आगे दे दी है, पर वहाँ से कोई कार्रवाई होगी तो ही मैं यहाँ पर कोई कार्रवाई करवा पाऊँगा। उनके द्वारा भी मौके पर निरीक्षण तो किया जाता है पर कार्य नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी क्षेत्रवासी यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो कार्य हो सुचारू रूप से कार्य हो, सभी व्यक्ति को अच्छा वो मिले, सभी की जो टूटी फूटी नालियाँ हैं, जो गंदा पानी रोडों पे आ जाता है उससे निजात मिले, और ये नाली की जो पुलिया है ये निर्माण हो। आपका नाम? हाँ मेरा नाम आमिन मोहम्मद है और मैं वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। मुझे यहाँ ये समस्या है कि यहाँ पे ना सबसे मेन है ना, यहाँ पे काम करने के लिए झाड़ू निकालने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता है, और जब कहते हैं कि यहाँ पे झाड़ू निकालने आओ उनके पीछे घूमना पड़ता है एक्टिवा लेके, और जब कहते हैं कि झाड़ू निकालो यहाँ तो कहते हैं कि आप पैसे दे रहे हो क्या, आप हमारे को कैसे बोल रहे हो ऐसे, मतलब हमारे ऊपर मतलब लड़ने के लिए आते हैं जो यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए आते हैं। यहाँ के जो जिन्होंने ठेका ले रखा है वो भी मतलब इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिपो काफ़ी टाइम से मतलब ये टूटा हुआ पड़ा है, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे बनवारी लाल शर्मा जी है, उन्होंने यहाँ का सब लिख के भी दिया है लिखित में आगे नगर निगम में सब जगह, तो भी मतलब उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अभी हमारे पार्षद साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, अभी वो यहाँ पर नहीं है, और अगर वो होते तो वो भी यही कहते जो मैं बोल रही हूँ। अभी एक तो चुनाव भी पास में आ रहे हैं और त्योहार भी पास में आ रहा है। हाँ हाँ चुनाव भी पास में है, चुनाव के टाइम सब नज़र आते हैं यहाँ पर, गली गली वोटिंग मांगते हैं, और जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट चुनाव आते हैं तब सब नज़र आते हैं। और पहले भी कभी शिकायत दी क्या? हाँ हम तो देते रहते हैं शिकायत, पर कि हमारी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है। हम सब मतलब यहाँ पे सब मिल बांट के रहने वाले इंसान हैं, सबकी यहाँ पर वार त्यौहार सब होते हैं, पर ऐसी ही गंदगी हमें मिली जाती है। यहाँ पानी को लेके समस्या है वार्ड नंबर 1 के अंदर आज़ाद नगर कोटड़ा, और यहाँ डिपो में कचरे बाहर पड़े रहते हैं, यहाँ पे जानवर घुसते हैं, और कचरा यहाँ पे ना जल्दी नहीं उठता है, यहाँ कम से कम 15-20 दिन के अंदर कचरा उठाया जाता है। जमादार ने क्या बोला आपको? जमादार यहाँ पे कहते हैं कि वो है वहाँ झाड़ू निकाल रहे उनसे बात करो, उनको कहते हैं झाड़ू निकालने वाले कर्मचारियों को, वो कहते हैं कि हमारे ठेकेदार से बात करो। अब हमें आप बताओ कि हम किससे बात करें जाके? आपसे कोई पैसे भी डिमांड करी है? नहीं हमसे अभी फिलहाल में डिमांड तो नहीं करी है, पर नाली वाली साफ करने के अलग से पैसे मांगे जाते हैं जो यहाँ पर मतलब नाली वाली। हाँ नगर निगम के जो कर्मचारी है वो कहते हैं कि नाली वाली साफ करने का अलग से चार्ज होता है, अलग से लगता है, कोई 100 रुपये बोलता है, कोई 200 रुपये बोलता है, तो उसके डर के मारे तो हम ऐसे भी बुला नहीं सकते। और ऐसे हम बोलते हैं वो देखो कोई 500 रुपये इनसे 500 रुपये लेके गए भाभी जी से,
आओ बोलो। एक मिनट आप सामने देखो। हाँ, 500 रुपये इनसे भी लेके गए, ये भी बता रहे थे मुझे ये बात, क्या मेरे से भी नाली साफ करने के 500 रुपये लिए गए हैं। कौन कौन आदमी है, क्या नाम है? नाम नाम नहीं जानती हूँ सर मैं। रोज जाते हो? नाम नहीं जानती हूँ, वो लोग आते हैं कभी कभार दिखते, मैं तो कह रही हूँ ना कि यहाँ पे दिखते ही नहीं है। क्या उसकी रसीद भी देते हैं आप लोगों को? ना ना ना, रसीद कहाँ देंगे, रसीद लिखत में कुछ नहीं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अंजुम शेख है।